आने वाले 3 साल में हमको टॉप 10 में आना है, हाईएस्ट प्रोडक्ट फीस रहेगी हमारी, ये हम लेके चल रहे हैं दिमाग में, ये तुम भी लेके चलो विजन दिमाग में, और उसके लिए अभी से काम शुरू कर दो। सफल का जर्नी देखा है उन्होंने, रफीक भाई ने स्टार्टिंग से, शगफ ने देखा है कहाँ से शुरू हुआ था और 2.5 तक पहुँच गया, राइट। तो तुम्हारे को भी जो 13 साल में नहीं किया है ना, वो आने वाले 12 से 24 से 36 महीने के अंदर तुमको वो करना है जो तुमने अभी तक नहीं किया है। ये विजन लेके चलो, 10 साल का लंबा गेम नहीं खेला, इतना टाइम नहीं है अपने पास। 10 साल के तो पता नहीं हम कहाँ पर होंगे, मॉरिशस में होंगे कि सिडनी में होने वाले हैं, कहाँ है पता नहीं हमारे को। 3 साल में सेट कर देना इसको, क्लियर है। दूसरी चीज, जब तुम क्लाइंट के पास जाते हो, क्लाइंट तुमको बिजनेस नहीं देगा, उसके लिए कुछ चीजें आती हैं, वो प्रोसेस है तुम्हारा। महेश जी, मनी है क्या उसके पास? जिस बंदे के साथ बैठो, क्या उसकी जेब में पैसा है कि नहीं है, उससे बातचीत में पता चल जाएगा मेरे को। जब मैं डायग्नोज करूंगा, एग्जामिन करूंगा, तभी पता चल जाएगा इसकी जेब में कितना पैसा है, राइट। तो फॉर्म फिलअप कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहीं तुमको काफी सारी चीजें पता चल जाएंगी। वो कराना है, लेकिन वहीं पे तुमको पता चल जाएगा आगे टाइम वेस्ट करना है कि नहीं करना है। दिस इज रॉन्ग मार्केट, इसमें हाथ नहीं डालना है, ये अपना अपना मार्केट नहीं है, ये किसी और लोगों का रहेगा, अपना मार्केट यहां पे है। इसको छोड़ देते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ने देते हैं, राइट। नेक्स्ट तुम्हारा आ जाएगा ए, जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूं, क्या उसको अथॉरिटी है, क्या वो डिसीजन मेकर है या नहीं है। अभी हमारे क्लाइंट है विलास शिंदे जी करके, दुबई में अभी, वो मेरे ऑफिस में आए, बातचीत हुई उनसे, बात प्रोडक्ट पिच किया, मुझ के बैच में है वो ऑफिस में। जब थोड़ी देर बात कन्वर्सेशन मैंने किया, वही पता चल गया ही इज नॉट ए डिसीजन मेकर। बातों बातों में वाइफ के बारे में बात कर रहे थे, वाइफ के बारे में बात कर रहे थे, तो पता चल गया कलेक्टिव डिसीजन वाइफ के साथ लेते हैं। फिर उन्होंने बीच में बोला कि आप घर पे आइए, सलमान सर आप घर पे आइए और मेरे घर पे बताइए इसके बारे में, हम लोग करेंगे, ट्रेनिंग का प्रॉब्लम नहीं है। बोला ठीक है, घर का टाइम लेते हैं। वो चले गए तो मेरे लोगों ने बोला कि सर अभी क्लोज हो सकते थे, आपने क्लोज क्यों नहीं, क्लोजिंग अमाउंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि तभी मैं क्लोजिंग अमाउंट ले लेता, वापस से वो अमाउंट चला जाता, डिसीजन मेकर नाराज हो जाता वहां पर और वो डील निकल जाती मेरे हाथ से। मैंने अपॉइंटमेंट लिया, मैं उनके घर पे गया और घर पे जाने के बाद सारे के सारे चेक वहीं से लेकर आए हम लोग। तो जिस बंदे के साथ बैठ रहा हूं मैं, क्या उसको डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, क्या डिसीजन वो लेता है या उसकी वाइफ लेती है, उसका हस्बैंड लेता है या उसका भाई लेता है, या उसके पिताजी लेते हैं या उसके पार्टनर लेते हैं, या उसकी ऑफिस में एक लड़की है उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उससे डिस्कस करने के बाद लेता है। तो कौन बंदा है जिसके थ्रू वो डिसीजन लेता है? कुछ लोग धंधा शुरू करते हैं लेकिन डिस्कस करते हैं ना, किसी किसी से राय लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं, हालांकि वाइफ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बिजनेस में, लेकिन वाइफ के बिना कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसा होता है कुछ लोगों का। कुछ भाई के बिना कुछ नहीं करते हैं, कुछ पिताजी के बिना कुछ नहीं करते हैं। तो वो कौन है जिसके बिना वो कुछ नहीं करते हैं? उस बंदे के साथ बैठना जरूरी है, क्योंकि तुमने उसको कन्विंस कर लिया, क्लोज हो जाएगा। फॉर फ्री बिजनेस टिप्स मैं चाहता हूं, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ताकि आप इससे कनेक्ट रहें और आपको फ्री टिप्स मिलते रहे मेरे प्रोग्राम्स के, और जिसकी वजह से आपके बिजनेस में ग्रोथ आना शुरू हो जाए 10-30%, 30-80%। तो कनेक्ट रहिए मेरे पेज से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।